साक्षी ने कभी इस बात का जिक्र किया कि उसे किसी का खतरा है? नहीं सर, कभी नहीं किया। अगर कभी ऐसी करती तो ऐसा नहीं होता सर, कभी उसने हमको ऐसी नहीं बताई। हाँ ठीक है, मैं वो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने आती जाती रहती थी, वो ट्यूशन से हमारे घर का खर्च चलाती थी। बोलती थी पापा मैं बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। परेशान दिख रही थी क्या वो कुछ दिनों से? नहीं सर, हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी, हंसती रहती थी। तो ये बहुत कंजेस्टेड बस्ती है और यहाँ पर इस तरीके की जो घटना हुई है, इस वक्त मेरी मौजूदगी साक्षी के परिवार में है, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर कल यहाँ निकली, कैसे देखते हैं आप? साक्षी ने कभी इस बात का जिक्र किया कि उसे किसी का खतरा है? नहीं सर, कभी नहीं किया। अगर कभी ऐसी करती तो ऐसा नहीं होता सर, कभी उसने हमको ऐसी नहीं बताई ऐसी ऐसी कोई बात। क्या एकेडमिक, क्या पढ़ाई क्या कर रही थी साक्षी? अभी 10वीं क्लास अभी पास हुई थी साहब, तो बोल रही थी पापा मैं बोला क्या बनना चाहते हो बेटा? तो बोली कि पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। मैं ठीक है बेटा, आप बढ़िया, हम आपके साथ हैं, हम मदद करेंगे। वो भी अपना ट्यूशन पढ़ाती थी, घर का खर्च वो भी चलाती थी, रास्ता नहीं है, हम भी मजदूरी करते थे। क्या कभी उसने जिक्र किया किसी बात का कि वो परेशान है, क्योंकि कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि वो घर नहीं आ रही थी दोस्त के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वो घर नहीं रहती, फिर कहाँ रहती? इतनी बड़ी हो गई, कहाँ से हो गई? किसी दूसरे घर से हो गई सर, हमारी बेटी हमारे घर नहीं रहती, किसी घर रहेगी? हाँ ठीक है, मैं वो ट्यूशन पढ़ाने आती जाती रहती थी, वो ट्यूशन से हमारे घर का खर्च चलाती थी। बोलती थी पापा मैं बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। ठीक है बेटा। क्या लग रहा है, बहुत दर्दनाक है जो तस्वीर वहाँ से निकली है, अब क्या प्रशासन से? मेरा कलेजा फट रहा है, मेरी मौत हो जाती अभी सही है, मेरे बेटे को ही बचाया नहीं। लोग कितना, आप सरकार से प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही, क्या आश्वासन अब आपको मिल रहा? मुझे यही आश्वासन मिल रहा है, ठीक है हम सजा दिलाएंगे, देंगे उसको। 16 साल की बच्ची आपकी थी, आप कह रहे हो कि आगे पढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी, आप मजदूरी कर रहे थे, फिर भी उसको पढ़ा रहे थे, बड़े सपने आपने भी देखे। हाँ जी, बहुत हमने मेहनत करके उसको, कितना मैं दिन रात मेहनत करता था मेरी बेटी की शौक पूरी हो। क्या कभी सोचा था ऐसी कोई याद आपकी उससे जुड़ी हो, लास्ट टाइम उसने कोई बात आपसे कही हो, कोई आपसे बातचीत हुई हो उसकी? यही बोलती थी बेटा पापा हम बेटी नहीं है, बेटा है, बेटा बन के रहेंगे आपके साथ। इन दिनों में उसने किसी बात का जिक्र नहीं किया, कोई दोस्त उसको परेशान कर रहा है या कोई ऐसी बात उसने आपसे शेयर की हो? नहीं सर, ऐसा कभी उसने नहीं बोली, अगर कभी ऐसा बोलती तो ऐसा नहीं होता सर, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता है। परेशान दिख रही थी क्या वो कुछ दिनों से? नहीं सर, हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी, हंसती रहती थी। कितने बच्चे हैं सर? दो बच्चे सर थे, एक हमारी वो बेटी थी, एक छोटा बेटा था बस। बड़ी वो थी जी, तो कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा के आपकी वो मदद भी कर जी, कई जगह बच्चों को पढ़ाने थी, बच्चों में घरों घरों जा कर बच्चों को पढ़ाती थी जी। सरकार, दिल्ली सरकार ने 10 लाख का सहयोग देने की बात कही है, आपने तो सब कुछ खोया है। सर हमारी बेटी चली गई, हमें क्या करेंगे पैसा लेकर के? 10 लाख रुपए लेकर हम क्या करें? हमें इंसाफ चाहिए, हमें जल्द जल्द फांसी उसकी होनी चाहिए। 10 लाख रुपए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बेटी थोड़ी पास, मेरा बेटा था वही मेरा घर चलाती थी, मुझे जिंदगी भर मुझे पालती सर, वो कह रही थी पापा मैं जिंदगी भर तुम्हें पालूंगी, बहुत प्यारे पापा हुए रहे। बहुत मुश्किल के क्षण हैं इनके लिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो उनके पिताजी से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना है कि प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये बहुत कंजेस्टेड बस्ती है और यहाँ पर इस तरीके की जो घटना हुई है उसके बाद लगातार जो है वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये का सहयोग देने की बात कही गई है, कार्रवाई करने की बात की गई है। लेकिन यहाँ अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं सबका यही कहना है, सबके अंदर खासा रोष देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। सोगी चिराग के साथ केशव मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज।